ગઈકાલે જામજોધપુરના 13 વિદ્યાર્થીઓનો રિપોર્ટ કોરોના પોઝિટિવ આવતા આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થયું હતું. આજે જામનગરમાં બેડી રોડ પર આવેલી એક ખાનગી સ્કૂલમાં પણ કોરોનાનો કેસ સામે આવતા ઓફલાઈન શિક્ષણ સામેના સવાલો વધુ પ્રબળ બન્યા છે. ધોરણ 11ના વિદ્યાર્થીનો રિપોર્ટ કોરોના પોઝિટિવ આવતા તેના વર્ગના તમામ વિદ્યાર્થીઓ તથા તેમના પરિવારના ટેસ્ટની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત એક અઠવાડિયા માટે સ્કૂલ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આજે જામનગર શહેરમાં કોરોના વિસ્ફોટ થયો હોય એમ નવા 16 કેસ નોંધાતા ભય ફેલાયો છે. ઉપરાંત જામજોધપુરમાં 5 કેસ તથા લાલપુરમાં 2 કેસ સામે આવતા જિલ્લામાં કુલ 23 કેસ નોંધાયા છે. જામનગરના કુખ્યાત ભૂમાફિયા જયેશ પટેલના કાળા કારોબાર તથા ક્રાઇમ સિન્ડિકેટને ધ્વસ્ત કરવા પોલીસે ગુજસીટોક કાયદાના શસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ પ્રકરણમાં જામનગરના 12 શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવતા આ કેસ સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાસ્પદ બન્યો હતો. આ પ્રકરણમાં હાલ 12 આરોપી અલગ અલગ જેલમાં છે, જ્યારે મુખ્ય આરોપી જયેશ પટેલ બ્રિટનની જેલમાં છે. અન્ય 3 આરોપી ફરાર છે. આમ આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 16 આરોપી વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી થઈ છે. આજે જામનગર પોલીસ દ્વારા અદાલતમાં આ કેસ સંબંધિત તપાસ પુરાવાઓ સાથે 2000 પાનાની એડિશનલ ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી છે. જયેશ પટેલ કે જો સિન્ડિકેટ હૈ, ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ, ઉસકે વિરુદ્ધ લગભગ સવા સાલ પહેલે હમને ગુસ્સી ટોક ઓર આઈએસપીસી કલમ હેઠળ જો ગુના દાખલ કિયા થા, ઉસકે હમને પ્રથમ ચાર્જશીટ આજ સે 9 મહિને પહેલે કી. ઉસકે બાદ જો હમને આગે કી તપાસ કી ઓર જો એડિશનલ હમે પુરાવા મિલા, ઉસકે આધાર પે આજ હમને पुरवनी चार्जशीट राजकोट स्पेशल कोर्ट में रजू की है. इसमें जयेश पटेल का जो सिंडिकेट कैसे काम करता है, उसकी मोडस ऑपरेंडी कैसे है, जो सिंडिकेट के सभी उनमें आपस में कैसे एक लिंक था, नेक्सस था, उसका हवाला और जो आंगड़िया नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, उसके विरुद्ध जो जो हमें पुरावा मिला है हमने वो रजू किया है. इसमें एक जो मेन चीज ये है कि जो जयेश पटेल ने जैसे और उसके जो सभ्य है उन्होंने कैसे आरोपी और विभिन्न साहिबों के साथ जो बातचीत की, जिसमें उसके धमकी भरे कॉल्स भी इंक्लूडेड हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स की हमने स्क्रिप्ट इसमें रखी है. सीडीआर जो है वो भी रखा है हमने. कुछ दस्तावेजी पुरावा भी है ऐसी मिलकत का जो जयेश पटेल के सिंडिकेट से जिनका लिंक बैठता है. हमने लगभग 2000 पेज की चार्जशीट है. इसमें बेसिकली एम जो ये था कि उसका जो सिंडिकेट है उसका एक ओवरऑल पिक्चर मिले, जैसे कि मोडस ऑपरेंडी है, कैसे वो धमकी देता है. तो हमने इसमें एस्टैब्लिश किया है कि जैसे वो उसका कोई भी टारगेट है, मोस्ट लाइकली कोई यहाँ का बड़ा बिल्डर, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके ऊपर एक अपना आदमी लगा देता है, उसको फिर सर्वेलेंस पे रखता है और उसको ऐसे धमकी देगा कि मुझे तेरी सारी डिटेल्स पता है, तू कहाँ जाता है, कहाँ उठता बैठता है, क्या कपड़े पहनता है, तेरे जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, मुझे सारी डिटेल्स पता है. अगर तू उसकी वो जो साहेद या जो भोग बना रहे अगर उसकी डिमांड से कंप्लाई नहीं करेगा तो उसके दिमाग में इतना एक मानसिक त्रास वो कर देता था कि अल्टीमेटली उसको गिवअप करके उसकी जो डिमांड्स थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था. ऐसे ही इसके अलावा जो इसका आंगड़ी और हवाला नेटवर्क है उसमें भी जो कैसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इसका चलता है, कैसे खंडनी का पैसा वो बाहर भेजता था, वो भी हमने एस्टैब्लिश किया है. हवाला के तहत लगभग इसने 40 लाख जैसा हवाला इसने यूएस करवाया, जो कि हमने रिकवरी भी की. इसके अलावा यहाँ कुछ लोकल लोग थे जो उसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी जो पैसा उसको हवाला किया वो भी हमने गुना में उसका उसके विरुद्ध जो पुरावा मिला वो भी हमने इसमें रखा है. हमने जिस समय दरमियान की तपास की उसमें हमारे पास आश्रय 8 ऐसे लोग हैं जिसके साथ उसने ऐसी खंडनी की है, अलग अलग रूप में, किसी से मिलकत ली, किसी से कैश लिया और किसी और भी प्रकार से उनके साथ उसने खंडनी की. जयेश नहीं तो वो उसके जो मणितिया हैं जैसे यशपाल हैं वो कैसे उनको यूज करके खंडनी करवाता था, उसके ऊपर भी हमने पुरावा रखा है. इसमें क्या रहता है, जैसे खंडनी का पैसा आया, अब वो खंडनी का पैसा जयेश यूएस में उसके कुछ वाया कनेक्शन होगा, उनको पैसा वहाँ जरूरत होगी तो पैसा उनका वो वहाँ भिजवा देता था और उसको उसका एवरेज में जो पाउंड्स हैं उसको यूके में मिल जाते थे. तो अपने मणितिया जो इसके लोकल सपोर्ट नेटवर्क था उसके मार्फत वो यूएस में हवाला करवाएगा और उसको उसके एवरेज में जितने पाउंड्स हैं उसको यूके में मिल जाएंगे.
तो एक टाइप का उसका जो हवाला नेटवर्क है कैसे सर्कुलर फॉर्म में चलता था वो हमने एस्टेब्लिश किया है। ऐसे यूके में भी ऐसा ही उसका नेटवर्क था कि खंडनी का पैसा है उसको यूके में किसी को दिलवाना है वो दिलवा के उससे वो लोकली उससे जो वहाँ की करेंसी है पाउंड वो ले लेगा। फिर उसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे लोकल लोग थे जो उसको थोड़ा बहुत आर्थिक तौर पर सपोर्ट करते थे वो भी यहाँ जो हवाला करते थे वो भी हमने अपने गुना में उसके खुद पुरावा अपने गुना में रखा है। गुच्छी टॉक में कुल पहली बार जो नाम जो फरियाद 14 के विरुद्ध हुई थी तपास में दो और का नाम खुला कुल मिला के 16 आरोपी उनमें से हमने 12 को अटक कर लिया जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। एक जो जयेश पटेल है अभी वो यूके में जुडिशियल कस्टडी में उसके विरुद्ध जो प्रत्यार्पण की कार्रवाई चल रही है और 3 अभी फरार हैं उनके भी हम अभी तपास कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अलग अलग लोगों के साथ जो खंडनी की या दबान किया उसमें जो जो पुरवार बनता हमें पुरावा था वो रखा है। कॉल रिकॉर्डिंग हमने रखी है। कॉल रिकॉर्डिंग में जयेश पटेल कैसे धमकी देता है कैसे वो जो भोग बना रहा है उसको पूरी पूरी तरफ से उसको एक घेर के कैसे उसको मानसिक त्रास देता है और अल्टीमेटली भोग बना इतना त्रासित हो जाता है कि उसको उसकी जो भी डिमांड होती है उससे उसको कंप्लायंस करना पड़ता है वो पुरावा हमने रखा है। दस्तावेजी पुरावा जो है कुछ कुछ ऐसी मिलकर थी जो जयेश पटेल के सिंडिकेट से कहीं ना कहीं लिंक था उसका हमने पुरावा रखा है। શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ નરેશ પટેલ આજે કાલાવડ તથા જામનગરના પ્રવાસે આવ્યા હતા। શ્રી ખોડલધામ પંચવર્ષીય પાટોત્સવનું આમંત્રણ પાઠવવાના ઉપક્રમે જામનગરના અતિથિ થયેલ નરેશ પટેલનું સેટેલાઇટ પાર્ટી પ્લોટમાં પાટીદાર સમાજના આગેવાનો તથા કોર્પોરેટરો દ્વારા સ્વાગત અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું। કાલાવડમાં નરેશ પટેલના આગમનને પગલે બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં પાટીદાર સમાજના લોકો જોડાયા હતા।